देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सब जानते हैं कि जो एक अननोन एनिमी कोरोना वायरस से हमारा जो ग्लोबल वार छिड़ा हुआ है, जिसको हमको फेस कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं। और जब हमारा एनिमी अननोन होता है, जिसे हम नहीं जानते, उसके नेचर को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, तो लड़ाई थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो उसके बारे में जो भी नॉलेज है, यदि हम उसको लेके चलते हैं, तो हमारा उससे बाहर निकलना आसान होता है। ये एक पैंडेमिक है जो नेशनल इमरजेंसी है। पैंडेमिक का मतलब है जब कोई भी बीमारी पूरे विश्व में फिरती है, पूरे विश्व से अफेक्ट होता है, तो हम उसको पैंडेमिक बोलते हैं। और इस पैंडेमिक में जो वायरस है, सार्स कोविड टू कोरोना वायरस, इसकी स्ट्रेन है कोविड 19। और इसका जो इन्फेक्शन है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। इसका ट्रांसमिशन जो है वो पर्सन टू पर्सन जाता है। और इसका फर्स्ट केस जो डॉक्यूमेंट हुआ था वो दिसंबर 19 में हुआ था, जिसका स्टार्ट वुहान चाइना से हुआ था। अब ये किस तरह से फैलता है, कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, तो बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ज्यादा अफेक्ट करता है, इसलिए इसका ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है। ड्रॉपलेट क्या होता है कि जो भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं, उसमें आपकी सांसों के थ्रू, आपकी खांसी के थ्रू, आपकी छींक के थ्रू जो भी वायरस बाहर आता है, वहाँ छोटे छोटे वो ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। और ये ड्रॉपलेट यदि 5 to 10 नैनोमीटर के होते हैं, माइक्रोमीटर के होते हैं, तब इनको ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। और माइक्रो ड्रॉपलेट जब 0.5 से कम के होते हैं, तो यूजली कोरोना वायरस के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो 5 to 10 माइक्रोमीटर के होते हैं, जो थोड़े हैवी होते हैं। इसलिए इनका जो दायरा होता है वो 1 मीटर तक का होता है। इसलिए 1 मीटर के एरिया में ये रहते हैं, अदरवाइज ये जमीन में बैठ जाते हैं। जब जमीन में या सरफेस में बैठ जाते हैं, तो ये फोमाइट्स कहलाते हैं। इसलिए फोमाइट्स के थ्रू भी जब सरफेस को हम छूते हैं, उससे भी ये फैलते हैं। तीसरा, ये पाया गया है कि जो कोरोना से जो अफेक्ट होते हैं लोग, उनके फीकल मैटर में, यानी उनके स्टूल में, उनकी लेटरिन में, उनके इन्फेक्शन के 29 दिन तक ये पार्टिकल्स पाए गए हैं। इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ज्यादा ये जीआई में भी रहते हैं। इसलिए यहाँ पर हाइजीन का और सैनिटाइजेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हैं, जिस जो एडवाइजरी इंडिया एडवाइजरी की तरफ से दिए गए हैं, कि सरफेस डिसइंफेक्टेंट तो सबके लिए जरूरी है, वैसे ही प्रेग्नेंट लेडीज के जरूरी है। वर्क फ्रॉम होम को उनको प्रेफर करना चाहिए, कि प्रेफरेबली वो वर्क फ्रॉम होम करें। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सबके लिए है, वैसे उनके लिए भी है, कि लगभग 1 मीटर की डिस्टेंस रखेंगे। जब तक एसेंशियल ना हो, तब तक वो बाहर का ट्रेवल अवॉइड करें। जब तक जरूरी ना हो तो कोई ट्रेवल ना करें, गैदरिंग को अवॉइड करें। और मिनिमम विजिटर्स, जब उनकी डिलीवरी होती है तो बच्चे के साथ या प्रेग्नेंट लेडीज के साथ मिनिमम विजिटर्स को अवॉइड करें। रूटीन विजिट डॉक्टर के यहाँ, जो वो जाते थे कि पहले 7 महीने में, हर महीने, फिर 15 दिन में, 1 हफ्ते में, जब तक बहुत जरूरी ना हो डॉक्टर के यहाँ रूटीन विजिट में ना जाएं। घर में ही ब्लड प्रेशर, वेट वगैरह लेते रहें, डॉक्टर से टेलीफोनिकली कंसल्ट करते रहें। और माइनर एलिमेंट्स जो भी होते हैं, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके जो अपने टेलीफोनिक कंसल्टेशन या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते रहें। जो इसेंशियल माइलस्टोन्स हैं, 12 वीक्स और 19 वीक्स में, जहाँ एंटी स्कैन और टारगेट स्कैन कराते हैं, वो जरूरी है, उसके लिए जरूर जाएं। और उसके बाद बच्चे का जो फूटल मूवमेंट है, उसका जरूर ध्यान रखें, ये एडवाइस किया जाता है। कुछ डूज हैं जो 5 डूज मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको सब पता है, लेकिन रिविजन उसका भी जरूरी है, कि आपको जहां तक हो सके घर पे ही रहना है। और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप टेलीफोन से प्रेगनेंसी को पता कर सकते हैं। दूसरा, एंटीनेटल रूटीन विजिट को आप डिफर करें, कम से कम जाएं, मिनिमाइज विजिटर्स और मेड्स को कम से कम घर पे बुलाएं। बार बार हाथ धोना कम से कम 20 सेकेंड्स तक, और सैनिटाइज करना, वैसे सैनिटाइजर से भी ज्यादा अच्छा सोप की हैंड वॉशिंग को माना गया है। और जो कॉफिंग मैनर्स है, कि जब आपको छींक आए या खांसी आए, तो आपके एल्बो को उसके सामने रखना, कोई रुमाल या टिश्यू पेपर रख रहे हैं तो उसके बाद तुरंत उसको बाहर फेंकना, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फेस की टचिंग को अवॉइड करना है, बार बार आपको अपने फेस को, आईज को, नोज को, माउथ को नहीं छूना है बिना सैनिटाइज किए। उसके बाद 1 मीटर का डिस्टेंस, जो मैंने बताया कि ड्रॉपलेट जो है 1 मीटर में तक वो मूव करते हैं, तो कम से कम 1 मीटर का, और ज्यादा रखें तो अच्छा रहेगा, नेक्स्ट जो घर के बाहर या घर के अंदर। और मास्क यूज करना है, वैसे तो कॉटन मास्क या जो सर्जिकल मास्क है यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, जो N95 के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं, स्पेशली जब वो डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं। तो ये सब तो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता भी है सारी चीजें। लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि
हम सब चिंतित भी हैं, हम सब जानते हैं, फिर भी जिस हिसाब से कोरोना ऊपर बढ़ रहा है और फैल रहा है उसके हिसाब से हम चिंतित भी हैं, और हमें चिंतित होना भी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि इसका अभी तक कोई डेफिनेटिव इलाज नहीं है और इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं आई है, और जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है एसिम्प्टोमेटिक करियर हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। ये एसिम्प्टोमेटिक करियर क्या होते हैं कि वो करियर जिनके अंदर कोरोना के वायरस हैं लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं है, उन्हें बुखार नहीं आ रहा है, उन्हें खांसी नहीं हो रही है, उनको कोई छींक नहीं आ रही है, उनको गला नहीं खराब हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? हो सकता है वो आपके घर में आने वाली मेड हो, आपका ड्राइवर हो, आपके पड़ोस में कोई रहता हो जिससे आप बात करते हो, आप सब्जी खरीद रहे हो, वो हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक करियर हो। तो जैसे जैसे एसिम्प्टोमेटिक करियर बढ़ेंगे हमको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अब ये इन्फेक्शन हमको कभी भी हो सकता है, और यदि ये हमको हो जाए तो हम इसको किस तरह से फाइट करें कि हमारे लिए जानलेवा ना बने और हम इससे इसको फाइट कर पाए, इसको इसके लिए हमारी इम्यूनिटी का अच्छा होना जरूरी है। तो हमारी इम्यूनिटी का अच्छा होने के लिए कुछ चीजें हैं जिनको हमको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी यानी कि हमारी, जब हमारे शरीर में कोई भी बाहर से इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई चीज की इन्फेक्शन आती है तो हमारी जो उससे लड़ने की क्षमता होती है उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, और ये इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है। पहली होती है इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, जो जनरल इम्यूनिटी होती है, जो जन्म से ही हमारे साथ होती है, और ये इम्यूनिटी समय के साथ, बीमारियों के साथ, एज के साथ घटी घटती बढ़ती रहती है। दूसरी इम्यूनिटी होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, ये समय के साथ आती है। और स्पेसिफिक इसलिए बोलते हैं कि ये जैसी इम्यूनिटी की कई बार, कुछ बीमारियां आपने सुना होगा जैसे चिकन पॉक्स, एक बार हो जाता है तो वो दोबारा नहीं होता, क्योंकि एक बार आपको चिकन पॉक्स हो गया तो आपके शरीर में उसकी इम्यूनिटी आ गई, अब वो बीमारी आपको दोबारा नहीं होगी, ये माना जाता है। इसी तरह से इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा एक बार आपको, एक साल में एक बार वो वायरस हो गया तो साल भर तक वो नहीं होता है, या आप उसका वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो फिर वो दोबारा आपको नहीं होता है। तो इस तरह से कोई भी बीमारी, उस तरह की बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन आपको जब हो जाते हैं तब ये आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है, या फिर ये इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के द्वारा आती है जब आपका उसका वैक्सीन लगवा लेते हैं। परंतु कोरोना वायरस का भी वैक्सीन भी नहीं है, तो इससे इम्यून होने का एक तरीका तरीका मतलब एक दूसरा रास्ता है कि जब आप इन्फेक्शन हो जाता है तब आप इम्यून हो जाते हैं उसके लिए, और दूसरा है कि जब आपको वेट करना पड़ेगा कि जब इसकी वैक्सीन आएगी तब हम वो लेंगे और हम उससे इम्यून होंगे। तो अब इस इम्यूनिटी को तो हमको इससे लड़ने के लिए बढ़ाना है, इसके क्या क्या तरीके हैं ये हम जानेंगे। आप बहुत सारी चीजें टीवी पे सुनते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, कौन सा काढ़ा, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा क्या क्या, उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक वे में बताऊंगी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के जो कुछ सूत्र हैं उसमें सबसे पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है उसमें आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपकी ईटिंग हैबिट कैसी होनी चाहिए, ईट अच्छा खाना है, टाइम से खाना है, अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना है, विटामिन सी लेना है, विटामिन डी लेना है, जिंक लेना है, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, ये सब आपको लेना है। ये सब अच्छा न्यूट्रिशन के अंतर्गत ही आता है। उसके साथ साथ आपको 8 घंटे की अच्छी नींद लेना है, और यदि आपको 8 घंटे की अच्छी नींद, जो प्रेगनेंसी में अदरवाइज भी हम एडवाइस करते हैं कि 8 घंटे की अच्छी नींद, कम से कम 8 घंटा रात में और 2 घंटा दिन में आपको आराम करना चाहिए, अदर दूसरे लोगों के लिए भी, जनरल पब्लिक के लिए भी, कम से कम 8 घंटे की नींद अच्छी इम्यूनिटी के लिए जरूरी होती है। और यदि आपको नींद अच्छी नहीं आती है उसके भी कुछ तरीके हैं, कई बार आपको नींद नहीं आती है तो उसके लिए कहा जाता है कि जो चंद्रभेदी प्राणायाम है, जो अनुलोम विलोम में लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रिल से हम करते हैं, उसको रात के समय आप सोने के पहले यदि आप सांस लेफ्ट साइड से लेते हैं और छोड़ते हैं 5-5 की गिनती तक, 5-10 मिनट तक करते हैं, तो अपने आप आपका राइट ब्रेन क्वाइटन हो जाता है और आपको अच्छी नींद आ सकती है। तो इस तरह से अच्छी नींद का होना बहुत जरूरी है, इसको आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम न्यूट्रिशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये न्यूट्रिशन या जो पोषण है ये हमको किस तरह से हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी में जो कुछ एक केमिकल्स होते हैं जिनको हम एंटीबॉडी कहते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और ये जब भी कोई टॉक्सिक मटेरियल हमारे अंदर आता है, वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, तो उसको नष्ट कर देते हैं, इनको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। दूसरा होता है इम्यून सेल, हमारे शरीर के अंदर बाहर से आने वाले जो एंटीजन होते हैं उन और फॉरेन बॉडी, उनको ये नष्ट करते हैं, इनको हम इम्यून सेल बोलते हैं। अब ये इम्यून सेल या एंटीबॉडीज होते हैं ये बनते कहाँ से हैं? ये जो बनते हैं ये हमारे स्प्लीन और बोन मैरो, हमारे शरीर में जो तिल्ली होती है, स्प्लीन होता है, और जो बोन मैरो होती है उसमें इनका प्रोडक्शन होता है, ये बनते हैं। और लेकिन
इन एंटीबॉडीज को बनाने के लिए जो संदेश आता है वो हमारे इंटेस्टाइन से आता है, और इंटेस्टाइन में हम किस तरह का खाना खाते हैं वो मैसेज भेजता है, वो संदेश भेजता है। इसलिए हमारे लिए डाइट का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है कि हम किस तरह की डाइट खाते हैं, उस तरह की डाइट हमारे इंटेस्टाइन से स्प्लीन और बोन मैरो में मैसेज भेजेगी, और फिर वो उस मैसेज के थ्रू हम हमारी एंटीबॉडीज बनेंगी, हमारे इम्यून सेल्स बनेंगे और हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी। इवन आयुर्वेद में बोला गया है कि षट रसों का सेवन करना चाहिए। षट रस जैसे मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, वो सब षट रस कहलाते हैं, उनका आयुर्वेद में बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से मॉडर्न साइंस में रेनबो डाइट कही जाती है। रेनबो डाइट का मतलब होता है कि सारे कलर के खाने, यानी जितनी कलर की दालें हैं, जितने कलर की फल हैं, जितने कलर की सब्जियां हैं, वो सारी चीजें जब हम खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। इन शॉर्ट, अदरवाइज तो बहुत सारे उसमें डिटेल लेक्चर्स हैं। इसके अलावा रेशे जो हम खाते हैं, जो फाइबर्स हैं, उनका भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत महत्व होता है। अलसी है, अखरोट है, बादाम है, इस तरह की डाइट हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत सहायता करती है। और भी बहुत सारे तरह के काढ़े वाढ़े आप लोग सुन रहे होंगे, वो सब चीजें हैं। यज्ञ की तो पूरी पैथी आपको मालूम है कि किस तरह से यज्ञ के फ्यूम्स, यज्ञ के मंत्र ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, वो तो आपके सब लेक्चर्स हो चुके हैं कि यज्ञ और घर का एनवायरमेंट किस तरह से जब अच्छा रहता है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। अब डाइट में एक इम्यूनिटी कम करने वाली भी कुछ चीजें हैं जिनको हमको अवॉइड करना चाहिए कि किस तरह से हम उनको अवॉइड करें तो हमारी इम्यूनिटी कम ना हो। इसके लिए जो सेचुरेटेड फैट है उनको 15 ग्राम से अधिक नहीं लेना चाहिए, जैसे घी, तेल, चीज, पनीर, इस तरह की चीजें हमें कोशिश करना चाहिए कि हम 15 ग्राम से अधिक ना लें। और जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे मैदा है, मैदे से बनी चीजें हैं, कि ब्रेड है जो व्हाइट ब्रेड होती है, पेस्ट्री और केक्स और मैगी, पिज्जा, बर्गर, इस तरह की चीजें जब हम खाते हैं तो ऐसी चीजों से हमारी इम्यूनिटी कम होती है। ये हमारी डाइट के टिप्स हैं आपके लिए कि ये किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायता करती है। किस तरह से एक्सरसाइज हमारे अंदर सीरोटोनिन, अच्छे हार्मोन, फील गुड आता है, अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं, वो आपको पता है। और विज्ञान कहता है कि किसी भी तरह की एक्सरसाइज, जो शॉर्ट एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे बॉडी वेट की एक्सरसाइजेस है, योगा है, ये यदि थोड़े थोड़े समय के लिए भी, दिन में 3 से 5 मिनट के लिए भी यदि हम दिन में 2-3 बार करते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को, यानी आपको कोई घंटों निकालने की जरूरत नहीं है, आप 3 से 5 मिनट के लिए भी यदि एक्सरसाइजेस दिन में 2-3 बार जब आपको टाइम मिलता है, आप बहुत देर की सिटिंग ले रहे हैं ऑफिस में तो थोड़ी देर के लिए आप छोड़ते हैं और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। 2018 में रिसर्च गेट पब्लिकेशन पर योग के बारे में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जो एक बहुत अच्छी स्टडी थी, और उसमें बताया गया था कि धनुरासन, वीरभद्रासन, त्रिकोणासन, नटराजासन, शवासन, ये कुछ ऐसे आसन है कि इनको जब 30 मिनट तक प्रैक्टिस किया जाता है तो ये हमारी वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट की इम्यूनिटी को बहुत इम्प्रूव करते हैं। तो ये एक साइंटिफिक आस्पेक्ट में आपका बता रही हूँ कि ये इसमें स्टडी पब्लिश हुई है, क्योंकि इसमें पूरी लोगों को लेके स्टडी की जाती है और साइंटिफिक पब्लिकेशन प्रॉपर स्टडी के साथ किए जाते हैं। तो इन सब आसनों को जब हम करते हैं 30 मिनट तक, तो इससे हमारी वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी बढ़ती है। इसी तरह से कुछ शॉर्ट मस्कुलर एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि वॉल में पुशअप करना, पंजों पे खड़ा होना, स्क्वैटिंग करना, शॉर्ट में वेट्स करना, ये सब चीजें यदि हम 3 से 5 मिनट तक दिन में 2-3 बार करते हैं तो भी इससे हमारी कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि हमारी इम्यूनिटी इससे बढ़ती है। इसके बाद तो ये हो गया, ये एक्सरसाइजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मैंने आपको बताई, ये सारे आसन हैं जो हमको प्रेगनेंसी और अदरवाइज भी ये सारे आसन आपको इम्प्रूव कराते हैं। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, हमको बहुत बेनिफिट करता है। मेडिटेशन में भी वो सेरोटोनिन और वो सारी चीजें रिलीज होती है, वो आपको पता है, इससे हमें बेटर स्लीप आती है, आपकी बॉडी जो होती है उसमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस कम होता है, पीस ऑफ माइंड होता है, टेंशन कम होता है, और बाकी तो जैसे लेबर के लिए लोग प्रिपेयर होते हैं और वो सब कॉम्प्लिकेशन, आपको वो वाले मोस्ट आस्पेक्ट में नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी मैं कोरोना के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये अब ये मेडिटेशन में आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन सीखे भी होंगे, करते भी होंगे, जानते भी होंगे, तो इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि 2016 में एक बहुत बड़ी एनालिसिस पब्लिश हुई थी न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ साइंसेस में, एक मेडिटेशन पे कि किस तरह से मेडिटेशन हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्य करता है। उसमें बताया गया था कि दोनों तरह के मेडिटेशन, जो कंसंट्रेशन मेडिटेशन होते हैं जिसमें किसी, जैसे हम लोग अपने गायत्री परिवार में दीप साधना करते हैं, दीप जला के ध्यान करते हैं, सूर्य का ध्यान करते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट पे ध्यान करते हैं, कोई लोग कैंडल जला के ध्यान करते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करके ध्यान करते हैं, उसको कंसंट्रेशन मेडिटेशन बोलते हैं। दूसरा माइंडफुल मेडिटेशन होता है जो डायरेक्शन पे चलता है।
कंसंट्रेशन मेडिटेशन टाइम, तो ये सब कुछ सीख भी सकते हैं, कुछ आप लोग जानते भी होंगे। और जिसको कुछ भी नहीं आता वो सिंपल अपनी सांसों पे, आती जाती सांसों पे ध्यान दे, दिन में 10 मिनट तक, यदि दिन में 2 बार आती जाती सांसों पे ध्यान दे, तो उससे बहुत रिलैक्सेशन होगा। सिर्फ सांस आती हुई या जाती हुई सांसों पे ध्यान दे के वो सिंपल मेडिटेशन करता है, तो उससे भी उसे काफी अच्छा लगेगा और उससे वो सब केमिकल्स सिक्रीट होंगे जो उसे उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायता करेंगे। अब हमारे जबलपुर में हमारे एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर परिमल स्वामी, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टडी के बारे में हम लोग को बताया, जिसको मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि ये एक बहुत ही विज्ञान सम्मत उन्होंने चीज बताई है कि जैसे बहुत सारे हम इम्यूनिटी के लिए प्रोसेसेस करते हैं जिनमें समय लगता है, तो लेकिन हमें यदि जल्दी चाहिए, आज जल्दी का टाइम है और हमको जल्दी से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है, उसके लिए एक बहुत अच्छी मेथड उन्होंने बताई है। और ये मेथड जो है ये हिंडावी मेडिकल पब्लिकेशन, जो एक बहुत ही बड़ी प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन है, उसमें इसकी स्टडी पब्लिश भी हुई है, जो कि एक बहुत जल्दी से इम्यूनिटी बढ़ाने का एक तरीका है। और ये जो इस तरह की चीजें हैं ये हमारी जीवन का हिस्सा बनना चाहिए, सिर्फ कोरोना काल में नहीं, आगे भी हिस्सा बनना चाहिए। इसके बारे में आपको बताती हूँ कि 2015 में भारतीय मूल के एक अमेरिकन वैज्ञानिक जिनका नाम है डॉक्टर एस बाला सुब्रमण्यम, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना में एक स्टडी पब्लिश की। इसमें एक विशेष प्राणायाम के बारे में बताया उन्होंने। इस प्राणायाम का नाम था थिरुमुरल प्राणायाम, जो एक दक्षिण में जो थिरुमुरल ऋषि थे, इनका स्थान नॉर्थ के पातंजलि ऋषि जैसा ही है, उन्होंने एक प्राणायाम बताया था। और इस प्राणायाम में उन्होंने जो बताया, इसका बड़ा अच्छा एक रिसर्च इस प्राणायाम की इन्होंने डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम ने पब्लिश की। और इसमें उन्होंने बताया ये सिंपल सा, जैसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, इसी तरह का प्राणायाम है ये, कि जिसमें इस प्राणायाम में चार, यानी पहले तो इसका सिग्निफिकेंस आपको बता दूं कि जब ये प्राणायाम कराया गया, कि जो भी सब्जेक्ट इस प्राणायाम को 20 मिनट तक किया, जिस सब्जेक्ट ने भी किया, उसके अंदर से एक केमिकल सिक्रीट हुआ जिसका नाम था DMBT1। और ये जो DMBT1 जो केमिकल था, ये एंटीवायरस था, ये इससे, ये जो इन्फ्लुएंजा या HIV या जिस तरह के वायरस में स्टडी की गई थी इसकी, कि ये देखा कि इन वायरसेस से फाइट करने में इस DMBT1 सब्सटेंस ने बहुत हेल्प की, और ये इन इन वायरसेस से लड़ने में हेल्प करता है। तो इस DMBT1 या इस प्राणायाम की, जो बाकी वायरसेस में ये जो DMBT1 सब्सटेंस या इस तरह का प्राणायाम हेल्प करता है, तो इसे कोरोना में भी हेल्प करना चाहिए, ये मानते हुए मैं आपको इस प्राणायाम के बारे में बता रही हूँ। तो ये जो एक इस सिंपल प्राणायाम में अनुलोम और विलोम ही है, लेकिन जिस तरह से हम अनुलोम विलोम करते हैं, थोड़ी संख्या का अंतर है इसमें। एक तरफ से जब प्राणायाम लेते हैं, शुरू करते हैं, तो 2 की गिनती तक सांस लेना है। जैसे आप लेफ्ट से शुरू करते हैं तो 2 की गिनती तक सांस लेना है, फिर 8 गिनती तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितनी भी देर आप सर रख सकते हैं, 8 की गिनती तक, यानी उससे 4 टाइम्स, 8 की गिनती तक आपको रोकना है, और फिर 4 की गिनती तक छोड़ना है, और फिर इस तरफ से 2 की गिनती तक लेना है, 8 की गिनती तक रोकना है, और 4 की गिनती तक छोड़ना है। यदि आप ज्यादा देर तक रख सकते हैं तो 4 की गिनती तक लेना है, 16 की गिनती तक रोकना है, और 8 की गिनती तक छोड़ना है। इस तरह का प्राणायाम यदि आप 20 मिनट करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। इस पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया, उन्होंने बताया कि उनके पास DMBT1 नापने का तो कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई वो तरीका था नहीं, तो उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, जिससे जिसके जिसको चेक करके लोगों का स्ट्रेस नापा जाता है, बहुत सारे उसके पैरामीटर होते हैं और उससे स्ट्रेस नापा जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो सब्जेक्ट था उसको बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कराई, बहुत हेवी एक्सरसाइज कराई, और उस एक्सरसाइज के बाद उसका जो HRV एनालिसिस किया गया, तो ये देखा गया कि उसका जो HRV स्ट्रेस इंडेक्स था वो 271 तक पहुंच गया, जिसकी अपर नॉर्मल अपर लिमिट 150 होती है। जब उसने बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज की तो वो 271 तक पहुंच गया। ये कहा जाता है कि जो लोग बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जो लोग मैराथन दौड़ते हैं या बहुत एक्सरसाइज करते हैं, उनकी भी इम्यूनिटी कम हो जाती है और उनको वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होने लगते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा स्टडी में है। तो उन्होंने जब बहुत हैवी एक्सरसाइज कराई, उसके बाद जब ये 271 पहुंच गया, तो उन्होंने उसको थिरुमुरल प्राणायाम कराया। तो जब 5 मिनट तक उस व्यक्ति ने, उस टेस्ट सब्जेक्ट ने थिरुमुरल प्राणायाम किया, उसके बाद जब उसका HRV एनालिसिस उस इंस्ट्रूमेंट से देखा गया, तो वो 144 हो गया सिर्फ 5 मिनट। तो अदरवाइज वो बोलते हैं कि जब भी एक्सरसाइज के बाद ये इतना बढ़ जाता है HRV, जो यानी HRV एनालिसिस की जगह स्ट्रेस इंडेक्स, तो उसमें लेटने के बाद कई घंटे लग जाते हैं उसको नॉर्मल आने में।
और जब उसने थिरुमूलर प्राणायाम किया तो 5 मिनट के बाद वो नॉर्मल रेंज से अंदर आ गया। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस उसका कम हो गया, और जब भी हमारे शरीर में स्ट्रेस कम होगा तो हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। कुल मिलाकर कंक्लूजन इसका ये है कि हम ऐसी चीजें करें जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो, और तो हमारी उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इस तरह से आपको हमने डाइट और ये सारी चीजें बताई कि जो आपकी इम्यूनिटी को कम बढ़ाती है। अब इम्यूनिटी आपने बढ़ा लिया, आप इस इन्फेक्शन से बच गए, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो प्रेग्नेंट बहनें हैं उनको डॉक्टर के यहाँ भी जाना पड़ता है, कहीं जरूरी होता है बाहर जाती हैं, और हमारे जो सोशल वर्कर हैं, हमारे गायत्री परिवार के लोग हैं, वो भी बाहर जाते हैं हमारे सोशल वर्क करने, घर पे बैठ नहीं सकते, काम पे भी जाते हैं लोग। तो कभी आप एक्सपोज हो गए किसी, कभी कोई हेल्थ वर्कर है वो एक्सपोज हो गया, सोशल वर्कर है वो एक्सपोज हो गया, या आप जाते हैं आप कभी एक्सपोज हो गए, तो आप एक तो पहली प्रोफाइलेक्सिस आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगा के ही जाना है, लेकिन यदि कभी आप एक्सपोज हो गए तो आपको कीमो प्रोफाइलेक्सिस क्या लेना है उसके बारे में मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी। आपको पता भी होगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट आपको एडवाइस की जाती है कि HCQS हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट ली जाती है, और तो आपको वो लेना चाहिए। उस पर ICMR की बहुत अच्छी स्टडी आई है कि पहले दिन जिस दिन आप लेते हैं 400 मिलीग्राम की 2 गोली लेनी होती है, एक सुबह और एक रात को, और उसके बाद हर हफ्ते 200 मिलीग्राम की एक एक गोली लेनी होती है आपको, या 400 मिलीग्राम की एक गोली 7 हफ्ते तक लेनी है, जो आपको प्रिवेंट करती है प्रोफाइलेक्सिस का, कुछ हद तक काम करती है जिसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये आप कभी एक्सपोज होते हैं तो आपको ये तो कुछ हेल्थ वर्कर्स के लिए है कि जो भी लोग डिलीवरी कराते हैं या जब आप डिलीवरी के लिए जाते हैं तो आपके जो सिक्रीशंस आते हैं, यदि कोई कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना है किसी को, तो उसके सिक्रीशंस भी लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उनके घर के लोगों को, और जो हेल्थ वर्कर उनके साथ एक्सपोज हैं उनको। ये मैं आपको और इसलिए बता रही हूँ कि जो प्रोटोकॉल होता है, जो PPE किट के बारे में आप सुनते हैं, इनका पूरा प्रोटोकॉल है किस तरह से इसमें बताया गया, कैसे पहनते हैं, कैसे उतार देते हैं, जब इसको दिन भर 8-8 घंटे पहने रहते हैं उस समय वर्किंग कितनी डिफिकल्ट होती है, कैसे CO2 रिटेंशन होता है, हम लोग हेल्थ स्क्रीन लगा के मास्क लगा के पहन के जब हम काम करते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव भी होता है। तो आज के समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को कि चार्जेस हॉस्पिटल्स के बढ़ गए हैं, डॉक्टर्स के चार्जेस बढ़ गए हैं। तो क्या होता है कि ये PPE किट सारे जब हेल्थ वर्कर बड़े हॉस्पिटल में पहनते हैं, उसके साथ आपको अटेंड करते हैं, डॉक्टर्स अंदर देखते हैं, डिलीवरी के समय पहनते हैं, सिजेरियन के समय पहनते हैं, तो नेचुरली इसके चार्जेस थोड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन ये हमारे लिए भी सुरक्षित है, आपके लिए भी सुरक्षित है, और समाज के लिए सुरक्षित है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों अभी इस समय में हॉस्पिटल के चार्जेस पहले से थोड़ा बढ़ गए हैं। ये प्रोफाइलेक्सिस जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको प्रोफाइलेक्सिस लेनी है, जो ICMR की रिकमेंडेशन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की टैबलेट्स। अब प्रेगनेंसी में इसका क्या असर होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में क्या है कि वैसे तो ये माना जाता है कि जैसे जनरल लोग हैं उनको जितना है उतना ही है, यानी इफेक्ट इनका, उनका खतरा भी उतना ही है, लेकिन क्योंकि इम्यूनो सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है वो प्रेगनेंसी के समय थोड़ा सा ऑल्टर हो जाता है, तो थोड़ी सी रिस्क ऐसा मानते हैं कि क्योंकि इम्यून सिस्टम ऑल्टर हो जाता है तो प्रेग्नेंट पेशेंट्स दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, जब तक जरूरी ना हो घर से नहीं निकलना चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति यदि सर्जिकल मास्क लगा के निकल सकता है तो उनको N95 मास्क लगा के निकलना चाहिए, इस तरह की प्रिकॉशंस उनको लेनी चाहिए। क्योंकि दूसरा चीज ये है कि कोरोना वायरस के इतने हम न्यूज देखते हैं, पढ़ते हैं इस एपिडेमिक के टाइम पे, तो पेरिनेटल पीरियड यानी प्रेगनेंसी के समय जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है इसके कारण, कई बार डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ रहे हैं, तो उनकी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो घर के लोगों को समझना चाहिए और उन वुमेन्स की काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है इस समय। अदरवाइज यदि जो भी रिपोर्टेड केसेस हैं COVID-19 के समय, उनमें जो निमोनिया है वो बहुत सीवियर वाला नहीं अभी तक रिपोर्ट किया गया है, और बाकी जो रिस्क ऑफ मदर अपीयर्स इंक्रीजिंग इन पर्टिकुलर ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है उसकी रिस्क थोड़ी सी ज्यादा मानी गई है। इसमें प्रीटर्म डिलीवरी के कुछ चांसेस देखे गए हैं, 7 स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म डिलीवरी, और साथ में जो हार्ट डिजीजेस वाले पेशेंट हैं वो थोड़ा सा हायर रिस्क में हैं। ये इसमें जो स्टडीज में अभी तक आया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो हार्ट डिजीज के पेशेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा है। तो जो क्वेश्चंस हमारे पास यूजुअली आते हैं, व्हाट इफेक्ट डस कोरोना वायरस हैव ऑन प्रेग्नेंट वुमेन, में क्या क्या उनका इफेक्ट होता है। तो जितनी भी इविडेंसेस हैं वो सजेस्ट करते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन वो कोई खास बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होती है प्रेगनेंसी के समय, थोड़ी रिस्क जरूर होती है जैसे मैंने आपको बताया, और लार्ज मेजोरिटी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो हल्का सिम्टम एक्सपीरियंस करती हैं, जैसे सर्दी खांसी का होता है, कफ फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हेडेक, लॉस ऑफ चेंजेस, चेंज ऑफ सेंस ऑफ स्मेल स्मेल और टेस्ट, जो सबके साथ सिम्टम्स होते हैं। आपको सबको पता है कोरोना के सिम्टम्स।
फीवर आता है, ड्राई कफ होता है, स्वाद नहीं आता, स्मेल नहीं आती, और खांसी आती है, कई बार जीआई सिम्टम्स होते हैं, लूज मोशंस होते हैं, पेट में दर्द होता है, हेडेक होता है, पैरालिसिस, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं इसके जो अलग अलग नए नए सिम्टम्स आते जा रहे हैं, तो यूजुअली माइल्डर सिम्टम्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि कोरोना वायरस के समय बेबी को क्या इन्फेक्शन हो सकता है, तो अभी तक जो भी है उसमें ये देखा गया है कि कोई एविडेंस आया नहीं है जिसमें, सॉरी अबॉर्शन का, कि अबॉर्शन का कोई भी रिस्क अभी तक एविडेंस नहीं आया है जिसमें ये देखा गया है कि अबॉर्शन की रिस्क इसके साथ इंक्रीज हुई है। जितनी नॉर्मल रिस्क है कि जो लोग एंग्जाइटी ज्यादा पालते हैं या किसी और कारण से अबॉर्शन होते हैं, उतने ही अबॉर्शन के रेट्स अभी प्रेगनेंसी के समय इन लोग को भी है। तो मोस्टली प्रेगनेंट वुमेन जो है उनमें ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। फीटस पे जो इफेक्ट है वो आपको बता देती हूँ कि मैटरनल डिजीज डज नॉट गेट एग्रेवेटेड बाय प्रेगनेंसी अनलेस देयर इज नो कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी का मतलब वही जैसे मैंने बताया, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सब कोमॉर्बिडिटी भी प्रेगनेंट लेडीज में होती है, तो उनको रिस्क थोड़ी सी ज्यादा होती है। और अभी प्रिलिमिनरी रिसर्च में ये देखा गया है कि जो इन्फेक्शन है वो बच्चे में ट्रांसमिट नहीं होता, प्लेजेंटा के थ्रू वो बच्चे में ट्रांसमिट नहीं होता है, लेकिन यदि वो अभी कुछ स्टडीज आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि शायद वो वर्टिकल ट्रांसमिशन उसका होता है, बट अभी तक कोई प्रूवन स्टडी नहीं आई है जिसमें ये माना गया है कि ये ट्रांसफर होता है। इसके बाद जो है, जो कोविड की टेस्टिंग की कि किन लोगों को कोविड टेस्ट कराना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज को, तो सिर्फ उन लेडीज को अपन कोविड टेस्ट कराते हैं जिनमें कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के सिम्टम्स होते हैं, जैसे वही बुक हाई ग्रेड फीवर, 104 डिग्री, 100.4 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो, ड्राई कफ हो, और उसके बाद लॉस ऑफ सेंसेशन है, जितने भी फ्लू लाइक सिम्टम्स भी उनको लगातार बने रहते हैं, तो उनको कोरोना टेस्ट कराते हैं, या फिर वो बाहर से, अब्रॉड से वो ट्रेवल करके आई हैं, या उनमें कुछ कुछ कॉन्टैक्ट में आई हैं वो किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के, तभी उनका ये टेस्ट कराया जाता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, और बाकी वही गाइडलाइंस हैं आइसोलेशन की, वही गाइडलाइंस हैं जो आपको मैंने बताई हैं, जो सबके लिए हैं वो उनके लिए हैं। क्वारंटीन की भी वही गाइडलाइंस हैं, सेम गाइडलाइंस हैं कि आपको 14 दिन क्वारंटाइन के समय, लोगों को क्या होता है कि लोग क्वारंटाइन सोचते हैं कि हमको क्वारंटाइन करना है, लेकिन उस समय क्या करना है ये प्रेग्नेंट लेडीज के साथ अलावा सबको जानना जरूरी है, कि वो वेल वेंटिलेटेड सिंगल रूम में रहे, प्रेफरेबली सेपरेट टॉयलेट के साथ वो रहे, यदि जिनके घरों में वो संभव नहीं है तो वो कम से कम 1 मीटर से अधिक की दूरी बना के रखें, एक ही कमरे में रहते हैं तो दूर दूर रहें, और मास्क लगा के रखें, और घर के बड़े लोगों से, जो बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट लेडीज से, चिल्ड्रन से, और जिनको कोमॉर्बिडिटी साथ में दूसरी बीमारियां हैं उनसे दूर रहें, और अपने मूवमेंट को घर के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड रहें, और साथ में वो कोई बड़े फंक्शंस को अटेंड ना करें, कोई कॉन्डोलेंस मीटिंग या वेडिंग और कोई भी गैदरिंग, रिलीजियस सोशल गैदरिंग में वो ना जाएं। इस तरह से ये आपको मैंने बताया। एंटीवायरल थेरेपी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, इसके बारे में डिटेल आप सबको बहुत जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कॉर्ड क्लैंपिंग, स्पेशल सिजेरियन की जरूरत नहीं है, ये बताया गया है कि जैसी नॉर्मल डिलीवरी होती है वैसी ही हो सकती है, सिर्फ कोविड पॉजिटिव होना सिजेरियन के लिए कोई इंडिकेशन नहीं बनता है, डिलीवरी के समय कॉर्ड क्लैंपिंग को डिले करते हैं कोरोना के पेशेंट्स में, ये बताया गया है ICMR के द्वारा कि कॉर्ड क्लैंपिंग डिलेड होना चाहिए, उसका कुछ फायदा हो सकता है थेरेटिकली। इसके बाद कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के बारे में लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का कॉर्ड ब्लड बैंकिंग कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी ब्लड में, इस ब्लड प्रोडक्ट में इसका कोरोना का कुछ भी नहीं देखा गया है, तो कॉर्ड ब्लड सैंपलिंग उनकी ले सकते हैं, और कोरोना के समय जो भी पेशेंट है उनको जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है, यदि मदर इज कोरोना पॉजिटिव तब भी ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हैं, सिर्फ मदर को डिस्टेंसिंग, डिस्टेंसिंग का मतलब है कि वो सब चीजें मैंने या तो वो, क्योंकि ब्रेस्ट में सिक्रीट नहीं होता है ब्रेस्ट मिल्क में, तो उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाइजीन उसको मेंटेन करना चाहिए, मास्क लगा के, हैंड हाइजीन, ब्रेस्ट हाइजीन, वो सब मेंटेन करके वो ब्रेस्ट फीड दे सकती है, और यदि बहुत जरूरत होती है तो फिर डिस्टेंसिंग बच्चे से भी मेंटेन करते हैं, लेकिन जब उसका ब्रेस्ट फीडिंग के वे बेनिफिट्स को आउटवे करते हैं तो पोटेंशियल रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो है सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उसको रिकमेंड किया जाता है कि ऐसे समय में ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए।
ये समरी में वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, नथिंग स्पेशल। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में आप जानते होंगे, जो मैंने एंटीबॉडीज के बारे में बताया कि जब कोई इन्फेक्ट हो जाता है या उसको वैक्सीन लग जाती है या वो वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है, तो उसके अंदर उस डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाते हैं। और जब ये एंटीबॉडीज जिस किसी के अंदर होते हैं, यानी जिसको एक बार कोरोना हो चुका है उसके प्लाज्मा को लेके, जिसको कोरोना का इन्फेक्शन अभी प्रेजेंट में है उसको जब दिया जाता है, तो उसके एंटीबॉडीज उसको फाइट करने में हेल्प करते हैं। इसी बेसिस पे कोरोना थेरेपी की जाती है। इतने के बाद मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि मैंने कुछ, हाँ एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो यानी कितना आपको बचना है, क्यों आपको बचना है, कि जो ये देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि इन्फेक्ट, वो पोटेंशियल इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन होने के लिए कितने वायरस चाहिए, तो ये आया है कि 1000 वायरस पार्टिकल जब ट्रांसमिट होते हैं तब कोरोना का इन्फेक्शन होता है। तो यूजुअली जब कोरोना पॉजिटिव कोई पेशेंट है या करियर है, तो वो जब नॉर्मली सांस लेता है तो सांस लेते समय उसके 20 वायरस पार्टिकल पर मिनट बाहर निकलते हैं। यदि वो नहीं बात करता, बातचीत करता है, तो 200 वायरस पार्टिकल निकलते हैं। और यदि वो छींकता है, यदि वो स्नीजिंग करता है, तो उस समय 200 मिलियन वायरस पार्टिकल्स निकलते हैं। तो इसलिए आपको जो मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और यदि वो उसको मान लो वो नॉर्मली बात कर रहे हो किसी को, जैसे हमारे पास ही ओपीडी में पेशेंट आते हैं और हम उससे बात कर रहे हैं, तो यदि हम 4 मिनट से ज्यादा बात करते हैं और वो उसको कोरोना का एसिम्प्टोमेटिक करियर है, तो हमारे को ट्रांसमिट होने के, विथ मास्क ऑल्सो, हमारे को ट्रांसमिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को बोला जाता है कि आपको 4 मिनट से कम के एक्सपोजर में पेशेंट को डिस्पोज करना है। यानी आप किसी से यदि बात भी करते हैं तो बहुत देर तक बात नहीं करना है, 1 मीटर का डिस्टेंस रख के बात करना है, और बिना मास्क के तो करना ही नहीं है। दूसरा, मास्क के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस तरह के मास्क, कौन से मास्क। तो बाकी लोग तो सर्जिक सिंपल क्लोथ के मास्क पहन सकते हैं, सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं, लेकिन N95 मास्क मैं प्रेगनेंट लेडीज के लिए रिकमेंड करूंगी, और जो हेल्थ वर्कर है उनके लिए। साथ में कई बार मास्क में N लिखा रहता है, N95 में किसी में P लिखा रहता है, किसी में R लिखा रहता है, किसी में ऑक्सीजनेटर लगा रहता है, उसके अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं कि वो ऑयल रेजिस्टेंट हैं, नॉट रेजिस्टेंट है। ऑक्सीजनेटर में ये होता है कि अंदर की ऑक्सीजन बाहर निकल, CO2 बाहर निकल जाती है तो हम लाइट फील करते हैं, कुछ उसके ये सब एडवांटेजेस हैं। ये मैंने अपनी तरफ से जो कि बेस्ट मैं आपको बता सकती थी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, और यदि हो जाए तो क्या करना है, मैंने आपको बताया। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।